झाला मान सिंह। झाला मान सिंह जनमान भी अपने पूर्वज की तरह ही मेवाड़ के राणा की रक्षा करते थे। वह हल्दीघाटी के पसी युद्ध के शहीद थे। इनकी पिछली 7 पीढ़ियाँ ने अपनी मातृभूमि मेवाड़ के लिए प्राणों का बलिदान दिया था। उसी तरह झाला मान में भी मेवाड़ के राणा की रक्षा करते करते अपने प्राण दिए थे। इसी तरह हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के प्राणों के रक्षक बने थे झाला मान सिंह। वे बड़ी सदाहाड़ी के राजपूत कबीले के मेवाड़ रईस में से एक थे। महाराणा रायमल ने बड़ी शादी की जगीर लाल जान सिंह मानसिंह के पूर्वजी सज्जा और अज्जा को दी थी। भारतीय डाक द्वारा 18/6/2017 को जारी किया एक स्मार्ट डाक टिकट। जिस प्रकार हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर झाला मान सिंह ने अपने प्राणों की आहुति देकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी, उसी प्रकार खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को जलाना मान के दादा जलाबिदा ने अपनी जान देकर बचाया था। साल 18 जून 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ गया हल्दीघाटी युद्ध महाभारत के युद्ध की तरह ही भयानक और विशालकारी था। हल्दीघाटी के इस भीषण और महाकपालकारी युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति मानसिंह पर हमला किया तब उनके भाले के एक ही वार से राजा मानसिंह का महावत मार गया। असंख्य मुगल सैनिक बौखला गए और महाराणा प्रताप पर वार करने के लिए आगे बढ़े। इधर राजपूत सैनिक भी प्राण हथेली पर रखकर युद्ध लड़ रहे थे। महाराणा का एक सैनिक लाखों पर भी भारी पड़ रहा था। महाराणा प्रताप के सिर पर मेवाड़ का राजमुकुट था। असंख्य मुगल सैनिक उसी का निशाना बनाकर वार कर रहे थे। मानसिंह पर हमला करते समय चेतक के घायल हो जाने से मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के चारों ओर घेर डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे महाराणा प्रताप संकट की स्थिति में फंसने लगे। उसी समय स्थिति की गंभीरता को पारख कर महाराणा प्रताप को समीपस्थ पद्मावती सरदार जलमान सिंह अपनी स्वाभिव्यक्ति का प्रमाण देते हुए आगे बढ़े और महाराणा प्रताप के सर से राजचिन्ह और मुकुट लेकर अपने सर पर धारण कर लिया और महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकाल जाने को कहा। जलमन्ना की चाल कामयाब रही और शत्रुओं को जलमन्ना को ही महाराणा प्रताप समझ लिया और उन पर आक्रमण करने के लिए टूट पड़े। भीषण युद्ध हुआ लेकिन अंत में हुआ वही कि जो होना है था। भीषण युद्ध करते करते जलमाना वीरगति को प्राप्त हुए। वीरगति को प्राप्त होने से पहले ही जलमाना मुगल सेना को पूर्व की ओर पीछे धकेल चुके थे। उनके इसी बलिदान की वजह से महाराणा प्रताप बाद में मेवाड़ को पूर्ण मुक्त कर पाए। इस प्रकार जलमाना ने अपने स्वामी का शिक्षा बचाने के लिए अपना शिक्षा कट दिया और उनके इस बलिदान की गाथा सदियों तक दोहराई जाएगी।